हमारा रक्षण करता है। स्वामी विवेकानंद ने छूटते ही कहा कि तुम मेरी माँ बन जा, मेरे से बच्चा क्यों पैदा कराना चाहती है, मुझे ही बच्चा मान ले। ये क्या था, कैसे उनके चरित्र की रक्षा की, किसने की, धर्म ने रक्षा की। 18 साल का बेटा आपका 15 साल की बेटी के साथ आप अकेले छोड़कर आते हो, आपको भय नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्यों, आपको पता है कि ये धर्म की व्यवस्था है, कोई भाई अपनी बहन के प्रति सपने में भी बुरा विचार नहीं ला सकता। इसीलिए चौकीदारी जो करता है वो धर्म करता है, चौकीदार हमारा हमारा धर्म है, धर्म के दिए मूल्य। और अगर हम कहते हैं कि कानून हमारी चौकीदारी करता है तो ये बात गलत है। ब्रिटेन में एक बार कानून बना कि शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, 4 घोड़ों की बग्गी पे चढ़ के कोई शहर नहीं आएगा। 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के एक जमींदार चला गया, पकड़ा गया, उस पे मुकदमा हुआ। उसके वकील ने कहा कि मेरा मुवक्किल, इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता। तो वकील ने कहा, जज ने कहा, 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के आया। तो उसने कहा, साहब 4 घोड़े की बग्गी पे बंद कानून है, मेरे मुवक्किल की बग्गी पे 2 घोड़ियां और 2 घोड़े जुते हुए हैं, इसलिए इस पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता। कानून की जितनी तुम दीवारें खड़ी करोगे उससे बचने की उतनी खिड़कियां पैदा कर लोगे, कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ। लेकिन धर्म की दी हुई व्यवस्था, आपकी धर्म पत्नी वर्षों तक अकेली रह के आपकी इंतजार करती है, कभी किसी पुरुष के प्रति अपनी नियत खराब नहीं करती, क्योंकि उसको धर्म ने ये संस्कार दिया है कि जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए। इसलिए चौकीदारी कौन कर रहा है, हमारी। लेकिन अगर हमने धर्म की चौकीदारी नहीं की तो कैसे बात बनेगी। आपने सर्दियों में गर्म कपड़े पहने पर गर्मियों में क्या किया, ड्राई क्लीन करा के और उसको व्यवस्थित रखा। अगर गर्मियों में आप उन कपड़ों को संभालोगे नहीं तो सर्दियों में वो बच्चे वो कपड़े आपको भी संभालेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए जब आप धर्म की रक्षा करते हो तब धर्म आपकी रक्षा करता है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि अपनी संतानों को रेगिस्तान की नदी मत बना देना। हमारी संताने तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। यही तो संविद की कल्पना है। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जो हिंदू धर्म है वो मानवीय धर्म है, वो मनुष्य का धर्म है। सारे बकरे भेड़ खा जाओ, जानवरों को खा खा के अपने पेट को कब्रस्तान बना दो, उचित नहीं है। चींटी की जिंदगी की परवाह करने वाली भारतीय संस्कृति है कि नहीं, आप बताइए मुझे। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र रख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। पशु पक्षी, हमारी माँ तिल चोली लेके जाती थी सैर करने, जाती थी ना अपनी सहेलियां दे नाल, ता ओना दे थैले च तिल चोली हुंदी सी। नहर दे किनारे चीटियां कीड़ियां दे घर उत्ते जाके ओ चीनी चौल तिल। सैर करने भी जाना है तो उसके पीछे भी परमार्थ की दृष्टि है, किसी दूसरे के भूख की चिंता है, ये है हमारा धर्म। सब में एक का दर्शन करता है।